आज मैं आप लोगों के साथ गोदरेज 6.2 केजी फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है, किस तरीका से कपड़े को वॉश करता है और वॉशिंग क्वालिटी कैसा है इसका, कितना टाइम लेता है और वॉश करने के टाइम में इसका नॉइज़ कैसा होता है, वो सब मैं आप लोगों को आज दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्विच को ऑन कर देती हूँ और टैप को चला देती हूँ और फिर अभी मैं आप लोगों को पूरा ही प्रोसेस दिखाऊंगी कैसे ये कपड़े को वॉश करता है, रिंस करता है और स्पिन करता है। तो कपड़े को अभी डाल दी हूँ मैं ये स्टेनलेस स्टील का, अंदर जो ड्रम दिख रहा है आपको स्टेनलेस स्टील का है और यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन है। जब हम कपड़े धोते हैं तो इसके अंदर सारा कचरा जमा हो जाता है, इसको साफ़ करने के बाद दोबारा लगा देना होता है। इस तरह से हम लगा दिए और यहाँ पर एक डिटर्जेंट कंपार्टमेंट है जिसमें हम डिटर्जेंट को डाल के और कपड़े को वॉश कर सकते हैं। तो अभी मैं डिटर्जेंट डाल देती हूँ इसमें और ये जब पानी के साथ ये डिटर्जेंट घुल के कपड़े के अंदर आएगा। तो अभी मैं वॉशिंग मशीन के लिड को कवर कर देती हूँ और इधर से मैं पावर बटन को ऑन कर लूँगी। और स्टार्ट बटन को भी प्रेस कर दूँगी। तो अभी हमारा वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गया, कपड़े धोने के लिए रेडी हो गया। तो जितना हमारा कपड़ा है वो जी इसका कितना वेट है इसी हिसाब से वाटर लेवल सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ऑटो में है हमारा वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन का चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग, ऑटो, रिंस और स्पिन। तो मैं ऑटो को सिलेक्ट की हूँ तो ऑटो में अपने आप सब कुछ करेगा। तो अभी पानी आने लगा और वाटर लेवल कितना है वो भी अपने आप सिलेक्ट हुआ है कपड़े के वेट के अनुसार। तो हम देख लेते हैं वाटर लेवल कैसा है। देखिए चार तरह का ऑप्शन है तो मिनिमम में सिलेक्ट हुआ है क्योंकि कपड़ा हमारा कम है। यहाँ पर चार ऑप्शन, हाई, मीडियम, लो और मिनिमम। तो अभी पानी लेने लगा है और इसके बाद देखिए कपड़े को वॉश कर रहा है, ऐसे कपड़े को रोल रोल कर रहा है। तो यहाँ पर ये पहला है, पहला बार तीन बार ये पानी लेता है और कपड़े को वॉश करता है, रिंस करता है। तो अभी देखिए ये रुक गया है, इसके मतलब ये कपड़े को सोक कर रहा है। तो इस वॉशिंग मशीन में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये बीच बीच में कपड़े को सोक करता है फिर वॉश करता है, सोक करता है फिर वॉश करता है। कभी 30 सेकेंड के लिए सोक करता है कपड़े को, तो कभी 2 मिनट के लिए सोक करता है और फिर वॉश करता है। तो इस तरह से ये 10 बार कपड़े को सोक करेगा और 10 बार वॉश करेगा। सोक करने से क्या, कपड़े के अंदर जो भी गंदगी जमा हुआ है वो फूल के पानी के साथ मिल जाएगा तो हमारा कपड़ा अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। तो इस तरह से सोक और वॉश का प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए अभी आधा घंटा टाइम लेगा ये फर्स्ट बार पानी लेने में, वॉश करने में, सोक करने में और पानी छोड़ने में। तो देखिए अभी पानी छोड़ दे रहा है। और फिर कपड़े को रिंस कर रहा है, अभी जितना भी पानी है वो बाहर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वॉशिंग मशीन में, देखिए रिंस में ब्लिंक हो रहा है। तो फर्स्ट बार कंप्लीट हो गया हमारा, इसमें पूरा 30 मिनट्स टाइम लगा है। फिर सेकेंड बार ये पानी लेने लगा है
पानी लेने में 2 मिनट टाइम लगा है और फिर अभी कपड़े को फिर से रोल रोल करके वॉश कर रहा है। सेकेंड टाइम में ये कपड़े को सोक नहीं करता है, सिर्फ वॉश करता है। और सेकेंड बार भी पानी लेने में, वॉश करने में और पानी छोड़ने में, रिंस करने में 10 मिनट टाइम लगता है। तो देखिए सेकेंड टाइम पानी छोड़ रहा है और रिंस हो रहा है। तो सेकेंड बार पूरा हो गया हमारा। अब थर्ड बार ये वॉशिंग मशीन पानी लेगा। थर्ड बार पानी लेने में, कपड़े को वॉश करने में और पानी छोड़ने में भी 10 मिनट टाइम लगता है। तो अभी पानी लेने के बाद कपड़े को वॉश कर रहा है। देखिए यार रिंस ब्लिंक हो रहा है। तो अभी फिर से पानी छोड़ देगा और अभी स्पिन का प्रोसेस चालू हो गया है। तो आप देख सक रहे हैं वॉश साइकिल में स्पिन ब्लिंक हो रहा है। तो देखिए अभी स्पिन हो रहा है। ये स्पिन होने में भी 10 मिनट टाइम लगता है। और देखिए नॉइज़, मैं इसलिए वीडियो में म्यूज़िक नहीं लगाई हूँ ताकि आप लोगों को इसका कैसा इसका आवाज़ होता है स्पिन करने में वो मैं दिखाना चाहती हूँ। इसीलिए कोई भी म्यूज़िक नहीं लगाई हूँ वीडियो में, पूरा ही वीडियो ऐसे ही है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि जब कपड़े वॉश करता है, रिंस होता है और स्पिन होता है तो इसका नॉइज़ कैसा रहता है। पूरा टोटल 52 मिनट से 60 मिनट्स टाइम लगता है कपड़े को वॉश करने में। तो अभी स्पिन हो रहा है हमारा कपड़ा। देखिए प्रोसेस पूरा हो गया, स्पिन हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़ा कैसे साफ़ हुआ है, वॉशिंग क्वालिटी कैसा है। पावर बटन को ऑफ़ कर देती हूँ और मैं इसका कवर खोल लेती हूँ। और देखिए कपड़ा एकदम साइड में इकट्ठा हो गया है और कपड़ा बहुत ही अच्छा साफ़ हुआ है और एकदम सूख गया है। तो इसको 10 मिनट धूप में या छाया में रखने से कपड़ा एकदम सूख के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं पावर बटन को ऑफ़ कर देती हूँ और टैप को भी बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।